हरियाणा शिक्षक संघर्ष समिति पीटीआई ने प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर हिसार के लघु सचिवालय में धरना दिया। शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो 15 जून के बाद प्रदेश भर आंदोलन चलाया जाएगा। इसी को लेकर हिसार के लघु सचिवालय में शिक्षक संघर्ष समिति प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। आज हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ की संघर्ष समिति पूरे हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे एक दिन का अनशन और भूख हड़ताल है, धरना है। उसके बाद में 15 तारीख से लगातार प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ की संघर्ष समिति की ओर से कर्मिक अनशन रहेगा। लगातार हम साथी जो साथी रोजगार से निकाले गए हैं, तमाम दूसरे संगठनों को साथ में लेकर के कंटिन्यू हमारा कर्मिक अनशन चलेगा प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे सोमवार से। और हमारी मांग है, हरियाणा सरकार ने जो अन्याय, जो इन कर्मचारी साथियों की हमारी हत्या की है, उसकी हरियाणा सरकार दोषी है और हमारे को दोबारा से रोजगार पर बहाल किया जाए। जिस स्थिति में हम पहले थे वो स्थिति हमारी बहाल करे सरकार, वरना हम पूरे हरियाणा प्रदेश में दूसरे तमाम संगठनों के साथ, तमाम जन संगठनों के साथ और हरियाणा प्रदेश की जनता को साथ में लेकर के सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे और इस सरकार को दिखा देंगे कि हम अनुशासन प्रस्त लोग हैं। अगर अनुशासन बनाना जानते हैं तो हरियाणा सरकार ये भी सुन ले कि हम अनुशासन को तोड़ना भी जानते हैं। अगर हरियाणा सरकार ने हमारे साथ इस तरह की कोई जिन्होंने हरकत की तो इस सरकार को पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं करने देंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता आज पूर्ण तौर पर दुखी है। चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग है। आप सभी साथियों ने देखा भी होगा, गए दिनों में कोरोना की आड़ में लेकर के 10,000 कर्मचारी जो है ना स्वास्थ्य विभाग में लगे थे उनको हटा दिया, 3200 होमगार्ड की सर्विस में थे उनको निकाल दिया, और जो बोर्ड की प्रक्रिया के द्वारा हरियाणा सरकार की जो संवैधानिक एजेंसी है उसके द्वारा।